आदित्य धर, पहले उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक और अब आदित्य सुहास जम्वाले के साथ मिलकर आर्टिकल 370 क्या गजब की मूवी बनाई है। स्टोरी 2016 में बुरहान वानी के इनकाउंटर से शुरू होती है, जिससे कश्मीर में और अधिक अशांति फैल गई। इसके बाद पुलवामा अटैक और कुछ अन्य परिस्थितियां हुई, जिन्होंने यामी गौतम एज जूनी हक्सर, राजेश्वरी स्वामीनाथन पीएमओ सचिव एज प्रिया मणि और सरकार को परेशान कर दिया। आर्टिकल 370 कश्मीर को एक विशेष प्रावधान और एक विशिष्ट दर्जा देता है। इस आर्टिकल के तहत राज्य अपना संविधान, ध्वज और स्वायत्ता बना सकता है। स्टोरी आर्टिकल 370 को खत्म करने के बारे में है, ताकि भारत सरकार कश्मीर में हो रहे हमले, दंगे और इस क्षेत्र पर सीधा कंट्रोल रख सके। डायरेक्टर्स ने फिल्म को 6 पार्ट में डिवाइड करने का निर्णय लिया, जैसे पार्ट्स बुरहान वानी को कैसे मारा गया, पुलवामा हमला, कश्मीर में एनआईए में शामिल होने के लिए जूनी के दरवाजे पर दस्तक और आर्टिकल 370 के खंडों में विसंगतियां और बहुत कुछ शामिल है। जिस बात ने मुझे चौंका दिया, यह वो है कि हमें दिखाया गया कि कैसे केवल यामी गौतम एज जूनी और राजेश्वरी ही मुख्य रूप से कश्मीर में बढ़ती हिंसा और अशांति के बारे में चिंतित है। जूनी एक कश्मीरी है जिसका पास्ट सही चीज के लिए लड़ने के लिए समर्पित है। राजेश्वरी अपने काम को ईमानदारी से करती है और तब तक ज्यादा कुछ नहीं कहती जब तक कि यह सिर्फ दस्तावेजों और इतिहास की बात ना हो। लेकिन कश्मीर और उस पर आधारित फिल्म में वहाँ के लोगों की आवाज क्यों गायब है, इससे यह भी पता नहीं चलता कि क्या कश्मीरियों को उन पर थोपी गई हर बात से कोई आपत्ति थी। फिल्म में शामिल अधिकांश कश्मीरी मुख्य रूप से भ्रष्ट राजनेता, अलगावादी नेता, कट्टरपंथी समूह और चरमपंथी हैं और पत्थरबाजों के फुटेज हैं। जूनी को अकेले पूरे कश्मीर की आवाज़ नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब वह सरकार के लिए काम करती है। फर्स्ट पार्ट तुमको आकर्षित करने में विफल रहता है। स्क्रीन पर होने वाली घटनाएं आपको उस चीज से जोड़ने में मदद नहीं करती है जो डायरेक्टर्स आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण के साथ संबंध दिखाने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दूसरा पार्ट अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब होता है, क्योंकि राजेश्वरी और उनकी टीम खामियां ढूंढने का फैसला करती है इस आर्टिकल में, जो कश्मीर के विशेष दर्जा को रद्द कर देगा। दूसरी ओर जूनी और उनकी एनआईए टीम कश्मीर में शांति लाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यामी गौतम फिल्म में गुस्से से भरी जूनी हक्सर का किरदार निभाया है। हमें यह दिखाया जाता है कि कश्मीर में जो कुछ भी होता है उसके कारण उनमें बहुत गुस्सा है। प्रिया मणि राजेश्वरी स्वामीनाथन के रूप में जूनी के विपरीत है। वह इस मामले से निपटने में शांत और धैर्यवान है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। डायरेक्टर आदित्य सुहास जम्वाले ने बड़ी चतुराई से देशभक्ति को उसके चरम और आक्रामक रूप में दिखाने पे कंट्रोल किया। उन्होंने सेकंड पार्ट को जिस तरह से संभाला वह इम्प्रेसिव है, क्योंकि यह पार्ट ऑडियंस को बांधे रखता है। कुल मिलाकर मूवी ठीक ठाक है, जो तुम्हें कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करती है और ये भी एक्सप्लेन करती है कि कश्मीर से क्यों आर्टिकल 370 हटाना जरूरी बन गया था। मूवी 2 आवर 38 मिनट का है, जो तुम्हें बोर भी कर सकती है अगर तुम पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो, बट तुम इसे वीकेंड पर तो देख ही सकते हो अपनी कंट्री के बारे में जानने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मार दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।